जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है? गरुड़ पुराण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टोरी वाला पे। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर नश्वर है और यह बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, लेकिन मरता सिर्फ शरीर ही है। इसके अंदर रहने वाली आत्मा को कुछ भी नहीं होता है। वह शरीर की मृत्यु के बाद वह आत्मा एक शरीर से लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है और यह सिलसिला चलते ही रहता है। मगर आज हम लोग जानेंगे कि मृत्यु के बाद और जन्म से पहले आत्मा कहाँ रहती है, क्या करती है, इन्हीं सब के बारे में जानेंगे, जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में दिया गया है। तो चलिए जानते हैं जन्म से पहले और मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ रहती है। गरुड़ पुराण में वर्णित कथा के अनुसार, जैसे ही एक आत्मा अपना शरीर त्याग करती है, उस आत्मा को परलोक ले जाने के लिए यम के दूत पहले से ही वहाँ मौजूद होते हैं, जिन्हें उन यमदूतों को देखकर अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा बड़ी ही आसानी के साथ उनके साथ चल देती है। लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूत द्वारा ज़बरदस्ती घसीटकर ले जाया जाता है, जिसके बाद उन यमदूतों द्वारा आत्माओं को ले जाकर यमराज के सामने उपस्थित करते हैं, जहां उन आत्माओं द्वारा जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देते हैं और 24 घंटे तक वह आत्मा यमलोक में ही रहती है। मृत आत्मा का सफ़र। उसके बाद यमदूत 24 घंटे के बाद उन आत्माओं को वहीं ले जाकर छोड़ देते हैं जिस घर में उनकी मृत्यु हुई है, जिसके बाद यहां वह आत्मा 13 दिनों तक अपने घर में ही रहती है और फिर 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी प्रक्रिया समाप्त होने पर यमदूत उन्हें फिर से लेने आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ यमलोक की यात्रा पर ले जाते हैं, जहां उन्हें यमलोक तक पहुंचने वाले मार्ग में अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती है। अगर मरने वाले की आत्मा पुण्यात्मा हो तो वह बहुत ही आसानी से यमलोक के मार्ग को पार कर जाते हैं, और वहीं कोई दुराचारी एवं पापी आत्मा हो तो उन्हें यमलोक के मार्ग में बहुत अधिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, कष्टों को सहना पड़ता है, जिसमें यमलोक के मार्ग में वैतरणी नदी भी आती है, जहां बुरी आत्माओं को इस नदी से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसा नहीं करने पर उन्हें यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। 17 दिनों के बाद इस भयानक मार्ग से यात्रा करने पर 18वें दिन यमदूत उन आत्माओं को लेकर यमलोक पहुंचते हैं। यमलोक पहुंचने के बाद यमलोक से सटी पुष्पोदका नाम की एक नदी मिलती है, जिसका जल स्वच्छ और निर्मल एवं उसमें कमल के पुष्प खिले हुए होते हैं। उस नदी के किनारे एक वटवृक्ष भी मिलता है, जहाँ पर आत्मा बैठकर विश्राम करती है और उसके परिजन द्वारा किए गए पिंडदान उसी वृक्ष के पास प्राप्त होते हैं, जिससे उन आत्माओं में शक्ति का संचार होता है। यमलोक में आत्माओं का स्वर्ग या नरक का गमन नदी पार करने के बाद जब आत्मा यमलोक में पहुँचती है, तब आत्माओं को यमदूतों द्वारा यमराज की सभा में उपस्थित किया जाता है। यहाँ उनकी सभा में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और विद्वान मौजूद रहते हैं। तब धर्मराज उन आत्माओं के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार एवं वहाँ उपस्थित ज्ञानी एवं विद्वानों की सहमति से उन्हें स्वर्ग या नरक लोक में भेज दिया जाता है, जहाँ वह अपने कर्मों का फल भोग सके। कुछ आत्मा ऐसी भी होती है जो कि मोक्ष के योग्य होती है और उन्हें विष्णु लोक में भेज दिया जाता है। ऐसे आत्माओं को फिर इस संसार में पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वर्ग गए हुए आत्माओं देवताओं के जैसे शरीर प्राप्त करके अपने कर्मों का फल भोगते हैं और नरक में वास करने वाले आत्माओं को भी एक दिव्य शरीर मिलता है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, परंतु उन्हें यह शरीर नरक में मिलने वाले कष्ट एवं पीड़ाओं को सहनी पड़ती है। स्वर्ग या नरक में गई हुई आत्माओं के जब कर्म फल का भोग पूरा हो जाता है
तो फिर उन्हें पृथ्वी लोक पर आकर पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में उलझना पड़ता है और स्वर्ग में गई हुई आत्माएं फिर से मनुष्य योनि में जन्म लेकर अपना कर्म करने लगती हैं और नरक में रहने वाली बुरी आत्माएं अपने कर्मों का फल भोगकर फिर से पृथ्वी लोक पर जाकर पशु पक्षियाँ पेड़ पौधे एवं 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब फिर उन्हें सकाम कर्म एवं मोक्ष प्राप्त करने के लिए मानव शरीर प्राप्त होता है। और फिर भी आज के समय में लोग धर्म का आचरण छोड़कर गलत राह पर चलते हैं और इसका परिणाम लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, हम लोग जीवन में जितने अच्छे से अच्छे कर्म करें तभी हमारा मानव जीवन सफल होगा और हमें बुरे कामों को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगना चाहिए और अपने कर्म को पूरी चेष्टा और ईमानदारी से करना चाहिए, जिससे कि हमें नरक में वास ना मिले और हमें स्वर्ग में अच्छा से अच्छा स्थान प्राप्त हो। तो साथियों, आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।